आई टाइटल के पेज क्रिएशन के बाद में इसमें अपन ने पूरे पेज बना लिए हैं। अब पेज में जो नाम थोड़ा आउटसाइड जा रहे हैं उनको कैसे सेट करेंगे, ये जैसे ये नारायण राम नारायण जी राम स्वरूप जी थोड़ा बाहर है पेज के, तो अपन जाएंगे साइड में बॉक्स के जो निशान है इसका, इस मार्कर पर क्लिक करके अंदर थोड़ा खींच देंगे इसको, इस तरीके से ये इसके अंदर आ जाएगा अपना। ये थोड़ा बाहर जा रहा है तो इसको एक नाम को अपन नीचे दे देंगे, फिर ये अपना बॉक्स सेट हो जाएगा। ये मैंने पेज क्रिएट कर दिया है कंप्लीट, मेरे 13 पेज का 14 पेज का टाइटल रेडी हो चुका है। एक पेज एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ मैं। अब देखिए इसमें सेव कैसे करेंगे, तो फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, अपने जो प्रोजेक्ट है सेव उसके अंदर ही सेव करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी सेव कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर सेव करेंगे तो अच्छा रहेगा ताकि आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अपने पेज कंप्लीट सेव हो चुके हैं। ये पेज डिलीट करने का ऑप्शन है, जैसे ये 14 नंबर का पेज है अपना पेज, ये 15 नंबर पेज है जो एक्स्ट्रा अभी बनाया था अपन, इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस बटन से। ये है आपका रेक्टेंगल पॉलीगन और एलिप्स, इसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे शेप क्रिएट कर सकते हैं, क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। इससे आप इमेज क्लिप आर्ट वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं, इसमें आप फोटो डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट मतलब ये जो अपना इसमें लाइब्रेरी दे रखी है इसमें अंदर खुद की, वहाँ से आप कुछ भी शेप वगैरह ला के अपने टाइटल में लगा सकते हैं। और इसको क्लिक करोगे तो फोटो ब्राउज करेगा, यहीं पर जाएंगे अपना जो फोल्डर है वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो उसकी फ़ोटो इसमें आ जाएगी। ये तो अभी अपना सीन कट HD का एक्स को जो कैप्चर है वो वाला पार्ट दिखा रहा है इसके अंदर। इस तरह से अपन पूरे पेज क्रिएट करके इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद में अपना टाइटल को बंद कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट क्लोज करके, या फिर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। यस, सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद में अपन खोलेंगे अपना स्मार्ट कट प्रो, इसमें अपन अपन टाइमलाइन इंपोर्ट कराते हैं टाइटल रेडीमेड टाइटल बनाने के लिए। का है प्रोजेक्ट सॉन्ग, इसमें है आपका टाइटल प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर मिलेगा आपको टाइटल प्रोजेक्ट, अपने एक्स ड्राइव पे जाना है, सिनकर HD कंटेंट पे जाना है, इसको ओपन करना है, इसमें है प्रोजेक्ट का फाइल, प्रोजेक्ट पे खोलना है। प्रोजेक्ट खोलने के बाद अपने जो पोर्ट्रेट प्रोजेक्ट अपन ने इंस्टॉल कर रखे हैं पैक वो सारे इसमें दिखाएगा। ये अपना टाइटल प्रोजेक्ट का है 439 पैक, बाकी टाइटल कहो ना कहो फिर भी तुमको चाहेंगे, इसमें से अपन कोई सा भी ले सकते हैं। ये अपन ले लेते हैं, इसका फर्स्ट पेज ओपन कर लीजिए, डबल क्लिक कर लीजिए, फिर सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, फिर यहाँ पर अपने को ओके करना है। ये आ गया अपने पास टाइटल, डबल क्लिक करेंगे तो टाइटल की टाइमलाइन आ चुकी है, आप देख रहे हैं इसके अंदर ये थोड़ी लाइनें सी हो रखी है, इसका मतलब आपका ये लेयर लॉक है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, बस ओनली प्ले कर सकते हो, आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लॉक खोलना है यहाँ से, ये कॉर्नर पे लास्ट में जो बटन है अनलॉक का मैक्सिमाइज का, इस पर क्लिक करना है तो आपका लॉक अनलॉक हो जाएंगे लेयर, अनलॉक अनलॉक।
थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये चला के चेक कर लिया अपन ने, ठीक है। अपन इसमें अपने टाइटल वाला फोल्डर इंपोर्ट कराएंगे, पेज इंपोर्ट कराएंगे, न्यू फोल्डर बना के एक तो डबल क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके इंपोर्ट फोल्डर, दो तरीके से आप ले सकते हैं। एक्स ड्राइव में गए, प्रोजेक्ट अपने ये अपना पोर्टल, ये टाइटल और ये अपने पेज ओपन कर लेंगे। ये अपना पेज आ चुका है यहाँ पर। अब क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ से पोर्ट्रेट उठाना है और कंट्रोल शिफ्ट ओनली शिफ्ट बटन के साथ में रिप्लेस करना है। ये अपने पूछेगा श्रिंक करना है ट्रिकेट फ्रॉम लेफ्ट राइट, पूछेगा तो इसको श्रिंक कर दीजिए। ये हो गया इस पर सेट। वेडिंग सेरेमनी रखनी है अपने को, दूल्हे दुल्हन का नाम, शिफ्ट दबाया, नाम छोड़ दिया, श्रिंक। चला के देखेंगे, ठीक है। अब इनकी फ़ोटो लगानी है अपने को, फुटेज, फुटेज में से जो फ़ोटो अच्छी लगे अपने को वो इसमें अपन लगा देंगे, ये वाली लगाएंगे। फिल्टर के साथ ऊपर छोड़ेंगे ना, तो ये अपने 8.0 का नया फीचर है। आप ओनली टाइमलाइन पे छोड़ दीजिए ऊपर खाली जगह में, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपका लेयर जनरेट हो जाता है। तो ये अपने को लेना है इतना, इस पेज से कंपेरिजन पेज अप करेंगे तो इस पेज के कट पर चले जाएंगे, जहाँ तक अपने को लेना है वहाँ तक अपने को कट कर देंगे और बाकी का पोर्शन डिलीट कर देंगे। इसको राइट क्लिक करके अपना इसका कॉपी करेंगे फिल्टर और अपने इस पर पेस्ट कर देंगे। जो ब्लेंड मोशन वगैरह जो भी होगा इस पर लगा हुआ वो अपनी फ़ोटो के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। इसको चलना है अपने नीचे। अब इसको थोड़ी सी अपने इसकी सेटिंग्स में बदलाव करेंगे, मौसम में पोजीशन चेंज करेंगे इसकी। सरकाएंगे उधर, अब ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट ही मैंने कर्सर यहाँ पर बन गया है, फर्स्ट मार्कर। तो मैं इसको राइट, इस पर राइट क्लिक करूँगा, मार्कर पे कॉपी करूँगा, पीछे वाले मार्कर पे आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से गए, यहाँ से ठीक है, अपना वो सेट हो चुका है। इसके बाद में ये बॉय है, यहाँ पर बॉय है इसके अंदर, तो मैं बॉय डाल दूंगा ड्रेस से लेके, मेरा बॉय शिफ्ट दबाऊंगा, बॉय पे लाऊंगा और बॉय पे छोड़ दूंगा, तो मेरा बॉय चेंज हो जाएगा। पेज थोड़े अलग हैं इसलिए मैं इसमें
इसमें मैंने इसके नाम वगैरह नहीं थे अपने पास, तो अपन इसमें बाद कपल फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो इसमें अपन कपल फ़ोटो लग के चलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसमें अपन कपल फ़ोटो ही ले लेते हैं अपना, ये वाला। ओके, नेक्स्ट में ये वाला गर्ल वाला पे ये सेट कर लेते हैं ताकि अपने को उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। फिर अपना आएगा इसके अंदर, ये वाला यूज हो चुका है तो इस पे अपन देख सकते हैं ग्रीन आइकन आ चुका है, व्यवहार दे देंगे सिंक। नेक्स्ट पे इसके आ जाएंगे दादाजी, फिर आप चलोगे शिफ्ट के साथ लाके स्विंग कर दीजिए दादाजी। ये इस पे देखिए कितना आसानी से मैं हाथों तो हाथ टाइटल जनरेट करता हुआ जा रहा हूँ। 8 नंबर पेज पे स्विंग कर दीजिए, इस पेज पे स्विंग कर दीजिए। प्रोमो कट प्रो में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट अपने टाइटल तैयार कर सकते हैं। देखिए आप, मैंने पेज बनाए, पेज बनाकर सेव किया उनको और फिर अपना टाइटल की फाइल प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट कर कर डायरेक्ट उस पर अपने टाइटल उतार दिए। इस तरह से ये मेरा टाइटल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये पीछे के पेज डिलीट कर दूँगा। एक बात ध्यान रहे, हमेशा खुद का प्रोजेक्ट बनाकर ही उसी में ही इंपोर्ट करें टाइमलाइन को, टाइटल की टाइमलाइन या सॉन्ग के जो भी प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं उनको ही, नए प्रोजेक्ट जो अपने नाम से बनाया है अपन ने, जो कि आप देख रहे हैं मेरा एक्स में प्रोजेक्ट्स में इस नाम से ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर मैंने इंपोर्ट किया है। कभी भी डायरेक्ट ओपन नहीं करना है आपको प्रोजेक्ट को। आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे उसमें कुछ भी चेंजेस करोगे तो वही चेंज वेंज उस पर सेव हो जाएंगे परमानेंट। आप उसमें बाद में चेंज करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए ध्यान रहे। अब इसका गाना गाना आप अपने हिसाब से लगाएंगे इसमें। ये अपने टाइटल पेज हो चुके हैं, उसमें गणेश जी लगाना है सबसे पहले। तो अपने को गणेश जी जाएंगे, अपना है एक्स ड्राइव खोलेंगे, कंटेंट लाइब्रेरी में जाएंगे, वीडियो में जाएंगे, गॉड गॉड में देखेंगे अपने गणेश जी। ये ठीक है, अपन इनको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट गणेश जी लाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये जो इंसर्ट वाला टूल काम में लिया है, इससे क्या हुआ, जो मैंने गणेश जी आगे लगाने थे मेरे को, तो गणेश जी को मैं सेट कर लूँगा। यहाँ पर से गणेश जी आ जाएंगे और डेबिट आया हुआ है नीचे। इसका ऑडियो नीचे नेक्स्ट लेयर पे आ गया है, ठीक है। कपल का ऑडियो भी आ चुका है, इस पर वाई दबाऊंगा और कपल के ऑडियो को डिलीट कर दूंगा सेलेक्ट करके। फिर इसके बाद में ये अपने गणेश जी हो गए, मेरे को लगाना है इस पर गाना। ऊपर वाला ऑडियो नहीं चाहिए मेरे को, तो इसको लिए मैं ऑडियो ट्रैक बंद कर देता हूँ सारे ऊपर के। गणेश जी सॉन्ग के बाद चाहिए अपने को
टाइटल सॉन्ग, डी में जाएंगे मेरे सॉन्ग टाइटल, टाइटल सॉन्ग लगाना है तो सॉन्ग लगा लीजिए, नहीं तो एक्स में भी अपने पास बहुत सारे कंपनी ने प्रीसेट सॉन्ग के दे रखे हैं टाइटल के लिए। पर रखेंगे, सॉरी इंसर्ट यूज़ किया था, अपन कंट्रोल जेड करना है, वापस अपना उसको लेना है, दो ऑप्शन है फुल वाला, इस पर लाएंगे और अपना गाना यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा टाइमलाइन कंट्रोल और माउस स्क्रॉल के साथ बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा क्रॉस फेड करता हुआ अपना गाना यहाँ से ऐसे निकलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर अपन एक फिल्टर लगा देते हैं, एवीआई टूल इफेक्ट लगा देते हैं, स्वाइप वाला, ताकि अपने ये गणेश जी और जो स्टूडियो के नाम में थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक है वो यहाँ पर थोड़ा सेट हो जाए। ये अपना स्वैप तो यहीं पूरा हो गया, तो इसको इसको पकड़ के थोड़ा खींच लीजिए, ये पूरा स्वैप आया अपना, कहाँ पर ये यहाँ पर अपना फूल जाएगा ये वाला। तो अपन क्या करेंगे, अब देखिए अपन कर्सर को लाएंगे सेंटर पॉइंट पे, और जो ये है वाला है यहाँ पर मूव लेफ्ट वन फ्रेम, इसको एक बार तो यहाँ से सिरका लेंगे थोड़ा सा, फिर अब इससे करेंगे अपन तो बिल्कुल एक एक फ्रेम सिरकेगा ये, यहाँ पर बेस्ट है, बिल्कुल फिट है अपना, ये अपना काम हो गया। ये देखिए ठीक है, इस तरह से अपना ये कंप्लीट टाइटल का प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, गाना ऑन कर लेते हैं और अपने को चाहिए यहाँ तक चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाइए और इसको इसके ऊपर डाल के डिलीट कर दीजिए, तो आपका क्रॉस फेड लग गया ऑटोमेटिक, और यहाँ पर ये लगा के ये आप बादल वाला इफेक्ट डाल सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा पीछे लेकर यहाँ पर इस पॉइंट पे बैकग्राउंड वगैरह सब कट कर देना है, यहाँ पर डीएपी डिलीट कर दीजिए, ये ब्लैंक हो गया अपना, यहाँ पर ओ लगाया और यहाँ पर शुरू में है ही अपने, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम है तो कॉन्ट्रास्ट डाल देते हैं वीडियो फिल्टर से, एस एफ एक्स में गए कलर्स, कलर का ऑप्शन में कॉन्ट्रास्ट दे रखा है, इसमें आप कॉन्ट्रास्ट डाल दीजिए, इंक्रीज़ करना है अपने कॉन्ट्रास्ट 25% इंक्रीज़ कर दीजिए, 25% ज़्यादा लग रहा है, कंट्रोल जेड कर दीजिए, 20% लगा दीजिए, ठीक है 20% कॉन्ट्रास्ट होके बिन पे गए। फिर अपने को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है इस फाइल को, F11 दबाएंगे, अपना नेट कनेक्शन चालू है तो अपना एक्सपोर्ट विंडो ओपन हो जाएगा। एनएक्स डोंगल आता है जो कि इसमें नेट की ज़रूरत नहीं रहती, और एनएक्स डोंगल में आपको F11 दबाओगे इंटरनेट चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका एक्सपोर्ट सेटिंग खुल जाएगा।
हाइट कैसे हो रखा है। एक्सपोर्ट सेटिंग ओपन होने के बाद में यहाँ पर अपने को जाना है चेंज पे। चेंज पे जाएंगे तो ये अपना H.264 इसको हम MP4 फुल HD में एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए अपना प्रीसेट है यूट्यूब फुल HD 920 180p 25 फ्रेम पे, ये वाला ऑप्शन लेना है। ये दोनों ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट रहेगा अपना यूट्यूब फुल HD 920 180। इसमें आप छोटी फाइल, बड़ी फाइल या चाहो जितनी बड़ी फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसमें एडवांस में जाएंगे, एडवांस में आपको थोड़ा सा इसको रखना है क्वालिटी की तरफ। तो पहले से क्वालिटी की तरफ सेट कर रखा है मैंने, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटी की तरफ रहता है। ओके, ये ओके है, सारा ओके है। इधर 16,000 बिट वैल्यू पे करना है। यहाँ पे 387 MB आ रहा है, या फिर आप टारगेट फाइल लेके भी चल सकते हैं, आपको 7 GB। ये तो केवल टाइटल है, आप 1 आवर का DVD बनाओगे, MP4 बनाते हो तो आप टारगेट फाइल भी लेके चल सकते हो। यहाँ पर GB सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप 7 GB सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो 1 आवर की फाइल है वो 7 GB की जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे क्रिएट कर लीजिए। अभी तो अपने को ओनली टाइटल एक्सपोर्ट करना है, 3.5 मिनट का है। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अभी आपको प्रीसेट परमानेंट चाहिए तो ये जो फेवरेट दे रखा है इसमें आप सेट कर लीजिए। ये फेवरेट पे आपको पिछले वाला सेट किया हुआ आ चुका है, वापस से चेंज करेंगे, H.264 करेंगे, YouTube फुल HD 25 फ्रेम। 30 फ्रेम नहीं लेना है, 30 फ्रेम NTSC के लिए है जो कि अपने इंडिया में सपोर्ट नहीं करेगा आपको। अपने जो TV चलते हैं वो 25 फ्रेम पे हैं, पाल वाला, इसको पाल बोलते हैं। 50 फ्रेम भी ले सकते हैं इसमें अपन, ड्यूल फ्रेम 50, लेकिन वो कई टीवी में, ज़्यादातर टीवी में ये सपोर्ट नहीं करता, इसलिए अपन 25 फ्रेम बेस्ट है। ठीक है, ये ओके करना है, इसको राइट क्लिक करके सेट फेवरेट करना है। इस पर सेट हो गया है और इसको आप रीनेम कर दीजिए, इसको कर दीजिए MP4 करके एंटर दबा के ओके कर दीजिए। तो ये आपका एक्सपोर्ट चालू हो गया है और अपना एक्सपोर्ट होने के बाद में अपना टाइटल रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा रह गया इसमें, अपन ने एक्सपोर्ट सेटिंग तो देख ली लेकिन एक्सपोर्ट कहाँ करना है वो नहीं बताया, तो लो बता देता हूँ मैं। कैंसिल करता हूँ, F11 दबाया, ये IO दबाने के बाद F11 हाईलाइट हो गया था, इसको मैंने यहाँ पर सेट किया, इसको यहाँ पर सेट किया, F11 दबाया। ये देखिए अपने MP4 पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी अपना प्रीसेट आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है तो मैंने पहले से एक्सपोर्ट इसका फोल्डर सेट कर रखा है, किस नाम से एक्सपोर्ट करना है उसके लिए। ये अपना है टाइटल, टाइटल करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये अपना टाइटल एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसको एक्सपोर्ट होने के बाद में अपन चला के देख लेंगे और सेशन एंड हो जाएगा इसी के साथ। साथ ही टाइटल जो अपना टाइटल है, आई टाइटल है, 2D है, 3D है, इसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग कीबोर्ड की इंग्लिश टाइपिंग से एक टूल आता है भाषा इंडिया और गूगल टाइप, दो टूल हैं अपने, उससे आप इंग्लिश में भी टाइप करोगे तो वहाँ पर हिंदी में टाइप होगा, साथ में उसका मेन्यू निकलेगा। साथ में जैसे देवेंद्र लिख रहे हैं तो देवेंद्र आप इंग्लिश में टाइप करोगे और इसमें 4-5 हिंट आ जाएंगे नीचे, तो उसमें से सिलेक्ट करके आप बन जाएगा। तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे उसको कि अभी मेरा हिंदी प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसमें कुछ दिक्कत है, तो वो बाद में सेट कर लेंगे, फिर मैं आपको वो दिखा दूंगा।
कैसे क्या करना है आपको। MP4 का प्रीसेट भी बता दिया मैंने इसी के अंदर कि आपको MP4 एक्सपोर्ट करना है बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। जो 16,000 वैल्यू है उसको आप आराम से 30,000 20,000 तक भी जा सकते हैं। अगर किसी के पास 50 इंची का टीवी है तो आप इसको 19,000 या 20,000 तक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। ये एक्सपोर्ट हो गया। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किसके लिए वीडियो बनानी है, मैं उसके लिए ज़रूर बता दूंगा आपको। इसका जो नेक्स्ट सेक्शन में है जो उसमें अपन BCG जो अपन BCG जो अपने कंपोजिशन के लिए काम में लेते हैं उसके प्रोडक्ट जो अपने एक्सपोर्ट कर चुके हैं उनको अपन अपने गानों में कैसे काम में लें, सॉन्ग प्रोजेक्ट में कैसे इम्पोर्ट करें, उसके लिए नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा मैं। इसी के साथ अपना स्ट्रीम पूरा करते हैं यहीं पर।